योग जो है योग नहीं है सिर्फ कसरत, ये तो वो विज्ञान है जिसमें पूरी होती है हर हसरत। शास्त्र कहते हैं कि आरोग्यम मूल उत्तमम। क्या प्राणायाम की डेफिनेशन क्या होगी? प्राणायाम प्राणानाम आयाम इति प्राणायाम, सिर्फ सांस लेना छोड़ना सांसायाम है। ध्यान क्या है? ध्यान सब कुछ है। योग में ध्यान वो प्रक्रिया है जो आपको स्वतः विचारों से परे ले जाती है। तो क्या ये है कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती? आप पहले तो आपकी संस्कृति में महिला पुरुष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ आत्मन का कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं जो है मंदिर नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, इसको भी लेकर बहुत विवाद हो रहा है। महिलाओं का मुख्य कार्य एक समय पर क्या था? मंदिर की देखरेख और किचन की देखरेख, राइट? बट उस समय को याद करो जब मंदिर जंगलों से होकर के जाना पड़ता था, राइट? वाइल्ड एनिमल्स होते थे। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? वो ब्लड को स्मेल करते हैं। तो महिला की प्रोटेक्शन के लिए नियम बनाया गया कि वो जंगल से होकर के मंदिर ना जाए। जिन्होंने लेट शादी किया उनको कंसीविंग में दिक्कत हो रही है, नहीं कंसीव कर पाए, तो क्या योग उनको हेल्प करेगा? एब्सोल्युटली योग ही करेगा। क्या जिन लोगों को, अगर किसी को डर है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, क्या कुछ ऐसा योग में बताया गया जो करें? जीवन में आपके दुख का कारण है कि आप टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम होते जाते हैं। तो अभी आप प्रकृति के साथ रहोगे, आप खूबसूरत रहोगे। आप मशीनों के साथ रहोगे, आप मशीन जैसे ही बनते चले जाओगे। अगर आप चाहते हो आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, रणभूमि के मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर शस्त्र त्याग देता है, कहता है मैं डिप्रेस हो गया हूं। और उसका नाम है अर्जुन। और उसे श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन, राइट? तो गीता का अध्ययन, and we have seen amazing results. नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर बार धर्म संवाद के अपने इस एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आती हूँ। हमेशा हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिसके बारे में जानना आपको पसंद है, और बताती मैं नहीं हूँ, बताते हैं हमारे गेस्ट। तो आज हम बात करेंगे योगा पे। जी हाँ, लोग कहते हैं ना योगा से ही होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें बताने के लिए आपके लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस एपिसोड में एक गेस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं कि बचपन से ही अनुभव है योगा का। उनकी फैमिली में भी, उनके पिताजी जो है उनको भी सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा उनको 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, यंगेस्ट योगाचार्य हम कह सकते हैं उन्हें, और वो हैं प्रतिष्ठा जी। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस एपिसोड में धर्म संवाद के। जैसा मैंने कहा कि हम बात करेंगे, लोग कहते हैं योगा से ही होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये आज हम एपिसोड में जानेंगे। बहुत बढ़िया। हम तो ये कहेंगे कि पहले तो योग का योगा बन गया, फिर योगा का योगा एंड प्राणायाम बन गया, फिर उसका योगा एंड मेडिटेशन बन गया, फिर हमने कहा योगा तो सिर्फ कसरत है। तो योग जो है, योग नहीं है सिर्फ कसरत, ये तो वो विज्ञान है जिसमें पूरी होती है हर हसरत। मतलब जो भी आप पाना चाहें, आप जीवन में जितना ऊंचा उठना चाहते हैं वो भी योग देगा, जितना गहरा उतरना चाहते हैं वो भी योग देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शास्त्र कहते हैं कि आरोग्यम मूल उत्तमम। जो भी आप करना चाहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्यम मूल उत्तमम, आरोग्य चाहिए। आप बैठ के इतने अच्छे से एंकरिंग कर रहे हो, अभी बैठे बैठे आपकी कमर में दर्द हो जाए, आप कहोगे एंकरिंग में मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या शरीर ठीक है पर मन उदास हो जाए तो भी हमारा अपने काम में ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए योग की सरलतम परिभाषा दी गई, योगः कर्मसु कौशलम। यानी जो भी आप कर रहे हैं, आप बैठ के परफेक्टली एंकरिंग कर रहे हैं, ये भी योग ही है। जब हम पूर्णता के साथ, परफेक्शन के साथ किसी चीज़ को कर पाएं तो वो योग है, और वो संभव योग साधना से है। तो योग से तो होगा और सब कुछ होगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप एक परफेक्ट राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, परफेक्ट माँ बनना चाहते हैं, परफेक्ट पेरेंट, परफेक्ट बिजनेसमैन, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, योग ही उसका मार्ग है। तो जैसा आपने बताया, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब समझ गए होंगे कि योग से क्या क्या हो सकता है, हमने तो ये बात कर ली, कैसे हो सकता है उस पर आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि जैसे योगा करने से अगर चीज़ें जो है ठीक हो जाती है, हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जैसे आपने बोला कि प्राणायाम बना दिया गया, तो पहला सवाल कि क्या योग प्राणायाम दोनों सेम है? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर ये सेम नहीं है तो दोनों से अलग अलग हैं, तो दोनों क्या क्या काम करते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहले तो इसको समझना होगा योग क्या है। आपने एक अंग्रेजी की मार्कशीट देखी होगी, नीचे लिखा होता है टोटल। हिंदी की मार्कशीट देखोगे, नीचे लिखा होता है योग। सो योग मीन्स टोटल। व्हेन वी लर्न टू लिव आवर लाइफ इन टोटैलिटी, दैट्स योग।
तो उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, यानी कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर बॉडी, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर माइंड, धारणा है, ध्यान है, समाधि तक की अवस्था। तो ध्यान योग का अंग है, प्राणायाम योग का अंग है, सही आहार योग का अंग है, ये सब चीज़ें योग के अंतर्गत आती हैं। और जब हम संपूर्णता में इन सब को जीते हैं, ऐसा नहीं हो सकता खाली मैं कसरत कर लूँ और मैं कहूँ मैं योगी हूँ, या मैं बैठ के ध्यान लगाने का ड्रामा कर लूँ और मैं कहूँ मैं योगी हूँ, या मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर मेरा आहार जो है वो योग के विरुद्ध है, वो हिंसा से होकर के आता है, आप योगी नहीं हो सकते। तो योग को, योग में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसीलिए योग के ये अंग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ये नहीं कह सकते आचार्य प्रतिष्ठा एंड हैंड, हैंड हैज़ नो आइडेंटिटी विदाउट आचार्य प्रतिष्ठा, एंड आचार्य प्रतिष्ठा हैज़ नो आइडेंटिटी अंटिल एंड अनलेस मेरा एक भी अंग अगर गलत है। तो पूर्णता में योग जो है, प्राणायाम उसका अंग है और ध्यान भी उसका अंग है, उसको हम अलग लगा करके नहीं देख सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत ही जैसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, जो यूथ को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, प्राणायाम, हाँ, लोग सोचते हैं कि बैठ कर और अनुलोम विलोम कर लिया या और दो चार है वो सारी चीजें कर ली तो वो प्राणायाम है। हाँ, क्या प्राणायाम की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है प्राणायाम? प्राणानाम आयाम इति प्राणायाम, सिर्फ सांस लेना छोड़ना सांसायाम है। पहले तो समझना होगा प्राण शक्ति क्या है। आप जो है जब रनिंग करते हो तो आपकी सबसे पहले आपके जीवन में क्या परिवर्तित होता है, आपकी प्राण, आपका सांस, प्राण से भी पहले सांस। आप रन करके आओगे आपकी सांस अलग चलेगी। आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दो, इमोशनल, आप रो रहे हो तो क्या हुआ, सबसे पहले सांस है ना। अभी आपको 50,000 लोगों के आगे, चलिए आप तो बोलने के आदी हैं, हम तो बोलने के, जिसको बोलना नहीं आता उसको 50,000 लोगों के आगे खड़ा कर दो, क्या कहेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस बहुत तेज तेज गति से चलेगी। सो एवरी इमोशन, इसको कहा गया स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ इज द रियल वेल्थ, इज द रियल हेल्थ, और गोपनीय विद्या है, हर किसी को दी जाने वाली विद्या नहीं है, इसलिए उसे परम गुह्यम भी कहा गया। जब मेरा अपनी सांस पर नियंत्रण हो जाए और मैं अपनी प्राण शक्ति का विस्तार कर सकूं, सारे एलमेंट, सारे डिजीजेस, कोई भी रोग उठा करके देख लीजिए वो क्यों हो रहा है। आरोग्यम मूलमुत्तम, हम कह तो रहे आरोग्य आवश्यक है, लेकिन सर्वरोग मलाश्रय, मल ही सारे रोगों की जड़ है। मल कैसे होता है, जब ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में नहीं हो रहा है। जब हम तो अभी पूरा पैंडेमिक देख करके निकली हुई जनरेशन है ना, हम सब ने देखा, तो हमने क्या देखा, एक ऐसा वायरस जो रेस्पिरेशन पे अटैक कर रहा है। तो आप अपने रेस्पिरेशन को, अपनी सांस को, एक छोटी सी चीज़ बताते हैं हम आपको, हम सब कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं ऑल द टाइम, राइट, अरे इसने वो कर दिया, अरे उसने वो कर दिया, वो तो छोड़ो भगवान ने, उस पर भी हम कंप्लेन कर देते हैं। हर व्यक्ति प्रातःकाल अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के इस ग्रैटिट्यूड के साथ करें, बैठे बैठे हम कर सकते हैं, आप भी करिए, है ना, बैठे थोड़ी देर आँख बंद करके और 3 बार लंबा गहरा सांस लो, अगेन इनहेल, एक्सहेल, एक बार और लंबा गहरा सांस ले लीजिए, पूरा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और मन में ये भाव, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सांस के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस हृदय की धड़कन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन के लिए, आज न जाने कितने लोगों के पास नहीं रहा, मेरे पास है, आया परिवर्तन। हाँ, सो हम कंप्लेनिंग मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में आते हैं। तो आपका सांस ही तो जीवन है। तो प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, बट उसकी डेफिनेशन ये है, जब मैं प्राण शक्ति का विस्तार करूँ, विच मीन्स मैं अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर रहा हूँ। जैसे कुत्ता होता है श्वान, वो धीरे धीरे सांस लेता है, वो 13-14 साल जीता है ना। हाथी लंबा लंबा सांस लेता, 100 साल जीता है। कछुआ और गहरा सांस लेता है, वो और कई 100 साल जीता है। तो मनुष्य के लिए कहा गया जीवेत शरदः शतम, परमात्मा कह रहे हैं 100 वर्ष तो मैंने तुझे दिए हैं, अब ये निर्भर करता है कि तू 21 साल में भूतपूर्व हो जाता है, और ये अच्छे खासे थे कल दफ्तर से गए और सुबह उठे ही नहीं है, या तू 100 वर्ष पूरे जीता है और स्वस्थ होकर के जीता है। ये हमारी योग साधना पर और जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक जो आपने चीज बोली उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल करें, यानी कि कंट्रोल मतलब जैसे आपने कहा लंबी सांसें, तो अगर कोई इंसान लंबी सांस लेता है तो क्या उसके कुछ हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे या वो फिट रहेगा? ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। आप तो चलिए और छोड़ दीजिए, आपका तो यूथ प्रोग्राम देखता है ना, तो क्या चाहते हैं यंगस्टर्स, हम खूबसूरत दिखें, हमारी स्किन ग्लो करे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। अभी जो फिल्म स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं,
व्हाट इज़ ऑक्सीजन थेरेपी, आप शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हो, बस अंतर यह है आप उसे आर्टिफिशियली ले रहे हो, हम उसे नेचुरली ले रहे हैं। इसलिए आप देखना, योगी हमेशा अपनी उम्र से छोटा दिखेगा, योगी की त्वचा दमकेगी, योगी को आर्टिफिशियल मेकअप नहीं लगाना पड़ेगा। हम तो 45 टीवी शोज कर चुके हैं एंड आई हैव नेवर अप्लाइड एनी मेकअप, नेवर एवर। आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती जाती हैं। आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम है, आपको तनाव है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आप सब कुछ अपने सांस के प्रवाह से ठीक कर सकते हो, ये ऐसा विज्ञान है। तो अगर ये तो आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे और मैं आपके लिए सवाल भी पूछ देती हूँ, अगर चेहरा ग्लो करवाना है, चाहते हैं कम कॉस्मेटिक यूज करें, हाँ। जो फीमेल है या मेल भी दोनों आजकल अभी सब फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं, भाई लोग भी लगा रहे हैं, तो अगर कोई चाहता है कि जैसे वो अपनी सांस को, क्योंकि इसको हेल्थ को भी ठीक करेगा और उसको ब्यूटीफुल भी बनाएगा, अट्रैक्टिव भी बनाएगा, तो किस तरीके से उसको ये करना चाहिए? देखिए, सौंदर्य जो है ना वो भीतर होता है और बाहर तो सिर्फ झलकता है। हमें लगता है हम ऐसे हैवी लाइट से और मेकअप लगा के बाहर तो चमक सकते हैं, बट अंदर अगर हम ठीक नहीं है तो जब मेकअप उतारोगे तो हम बुरे लगेंगे। तो बहुत सरल से काम, एक काम तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तार में तो नहीं बताऊंगी समय सीमा का ध्यान रखते हुए, लेकिन पहली चीज़ मुक्त हास। हमने हंसना छोड़ दिया, कितने लोग दिन में दिल खोल करके हंसते हैं, तो एक सरल सा काम, पेट को ढीला छोड़ना है, सीने को ढीला छोड़ना है, दोनों हाथों को खोल करके इतना हर कोई कर सकता है, खुलकर हंसना। आप देखोगे एकदम आपकी सांस खुल जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ आएगा। दूसरी चीज, जब समय मिले, जो हमने ये आपको बताया, लंबा गहरा सांस लिया और सांस के प्रति धन्यवाद का भाव। सी एवरीबडी इज ब्रीदिंग, आप जब से पैदा हुए हो वो सांस ले रहे हो, बट सच बताओ आपको कितनी बार ये याद आता है आप सांस ले रहे हो, राइट? नहीं आता। अभी कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई गिफ्ट आता है, हम लिखते हैं, बिकॉज रिटर्न गिफ्ट देना है ना, शादी होती है हम लिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो परमात्मा ने दिया आप उसे काउंट भी नहीं करते हो। काउंट तो छोड़ो, आप रिटर्न तो कर ही नहीं सकते हो, आप उसके बारे में कभी ग्रैटिट्यूड भी नहीं रखते हो। सो वी आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। बट वहीं जब आप ब्रेथ अवेयरनेस भारत योग की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सांस के प्रवाह को अनुभव करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू डाइवर्ट इट। हमारे शरीर में प्राण जो है वो ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा है शरीर की, उसका जब हम विस्तार करते जाते हैं तो त्वचा ग्लो करती है, तो हम खुश रहते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। आज मनुष्य का ना उठने का समय ना सोने का समय। अभी पीछे एक मीडिया हाउस में हमारा इंटरव्यू था, तो एक यंग सा बच्चा था, तो उसने पूछा, गुरुजी आप कितने बजे उठती हैं? तो हमने कहा हम 4 बजे उठते हैं सुबह। मैं तो उतने बजे सोने जाता हूँ, राइट? तो आपने प्राकृतिक जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया है, योगी लोगों ने भी कर दिया है, जिन्हें आप समझते हैं योगी हैं, क्योंकि इतना तामझाम है उसको संभालने की जिम्मेदारियां हैं। फिर लोग क्या कहेंगे, अच्छा वो तो योगी हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम दिखाने के लिए तो कुछ भी हो सकते हैं, बट हम अंतःकरण से वो हैं या नहीं। योगी कभी भी दुखी नहीं हो सकता, योगी कभी भी रोगी नहीं हो सकता, योगी को कभी भी कोई भी डिजीज नहीं हो सकता, अगर वो सही मायने में योगी है, यानी वो आचरण में भी योग को अपना रहा है। योग से बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। देखिए, अध्यात्म की जो डेफिनेशन है ना, अधिजमा आत्म, मैं अपने आत्म को उन्नत करूं, टू रेज योर सेल्फ, व्हाट आई एम टुडे व्हाट आई बिकम टुमारो, राइट? और योग की परिभाषा क्या है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, आत्म से परम आत्म की यात्रा। क्या हुआ आत्म से परम आत्म की यात्रा? रेजिंग योर सेल्फ। तो योग ही अध्यात्म है, बट हमने वही ना आसन बना दिया खाली, प्राणायाम बना दिया, अध्यात्म अलग कर दिया। योग को समग्रता में जियोगे तभी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, वरना वो संभव नहीं है। इसी ये आपने एकदम सही बात बोली, मतलब जहां दिमाग में आया एक वर्ड योग, लोगों को बस लगता है अनुलोम विलोम, वो कसरत, ये बस इतनी ही बातें पता है। चलो आपने अनुलोम विलोम तो कहा, कहते हैं अनुलोम शुलोम और कपाल भारती तो कर लेते हैं, आगे का बता दीजिए। तो ये यही लोगों को चीजें पता ही होती, लेकिन हाँ। अच्छा क्या आपने बताया, अब हम आ जाते हैं ध्यान पे। प्राणायाम को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, कोई सवाल है लिखिए आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन अब हम ध्यान की तरफ आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ध्यान क्या है? ध्यान सब कुछ है, अगर आप अभी ध्यान ना लगाओ आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, राइट? ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसकी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट ध्यान की परिभाषा बहुत सरल है। एक आम दिन में एक आम मनुष्य के भीतर 70 से 75 हज़ार विचार आते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये विज्ञान कहता है।
योग जो है ना, योग, भारत योग क्या है? भारत योग हमारा पारंपरिक योग विद अ स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि रोग भी तो चेंज हो रहे हैं ना, शरीर भी तो चेंज हो रहा है ना, तभी हमने बहुत सारे शोध किए, हमने बहुत भारत योग में हमने पहला कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, जिसकी पहली प्रति हमें राष्ट्रपति जी को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब तक वैक्सीन नहीं थी, तब तक दवा नहीं थी उसकी, राइट? हमने वहाँ भी हीलिंग्स की। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, सो आई रेड योग इज अ स्टेट ऑफ नो थॉट। रट लिया भाई, एग्जाम भी दे दिए, फर्स्ट भी आ गए, फिर बैठे करने, बैठे और सोच रहे, मुझे कुछ नहीं सोचना। एंड देन आई रियलाइज, मुझे कुछ नहीं सोचना इज अगेन अ थॉट, राइट? तो योग निर्विचार स्थिति नहीं है, योग नो थॉट स्टेट नहीं है। योग में ध्यान वो प्रक्रिया है जो आपको स्वतः विचारों से परे ले जाती है। जैसे विज्ञान कहता है 70,000 से 75,000 विचार हैं, फिर आप जिन परिस्थिति में रहते हो ना, आप उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचते रहते हो। आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस का सोच रहे हो, घर आके भी वही सोच रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप उसी को सोच रहे हो। तो जब आप सोने जाते हैं तो आपका शरीर सो जाता है, पर आपका मन बेचारा कभी नहीं सोता, वो एक कांस्टेंट चैटर चल रहा है थॉट्स का। ध्यान उस कांस्टेंट चैटर को, आपके मन को, आपके माइंड को थोड़ा सा सुलाने का तरीका है, थोड़ा सा रिलैक्स करने का तरीका है। आपने देखा, आप 8 घंटे सो के भी उठते हो, जबकि विज्ञान कहता है 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ। आप 8 घंटे सो के भी जब आप उठते हो, यू आर नॉट फ्रेश। आपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर अनुभव किया होगा, है ना? लेकिन कभी कभी गाड़ी में बैठे बैठे आप किसी शूट के लिए जा रहे हो, आधे घंटे का, 20 मिनट का नैप, एंड यू आर इंस्टेंटली फ्रेश। सो दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट देन क्वान्टिटी ऑफ स्लीप। तो जब आप ध्यान की अवस्था में होते हो, तब आप अपने माइंड को सुला पाते हो। सो देर इज नो थॉट एट ऑल। बट ये सोच के करोगे कि नो थॉट, जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। जिस थॉट को हटाओगे वो और परेशान करेगा, राइट? तो हमें थॉट नहीं हटाना होता, उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे निर्विचार स्थिति में जाते हैं। फिर आपको, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उन्होंने ये टेक्निक हमारे भारत योग से, हमारे पूज्य पिताजी से सीखी थी। और उसका कारण यही था, उनके पास टाइम नहीं था, ही कुडंट स्लीप फॉर 7-8 आवर्स। वो तो 3-3.5 घंटा सोते थे, गुरुदेव भी 3-3.5 घंटा सोते हैं, हम भी 4-4.5 घंटा सोते हैं, बट ज़रूरत नहीं लगती उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास एक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म है। एंड आई फर्मली बिलीव, अगर ये हर व्यक्ति को आ जाए तो आप कितनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, है ना? तो योग को दिया गया 1 घंटा, कभी भी दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आज लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, मैं कहती हूँ सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट 1 घंटे का योगाभ्यास है। ये बचे हुए 23 घंटे को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। लोग कहते हैं आप डिप्लोमैट भी रहे हैं, आपने शास्त्रीय नृत्य में काम किया, संस्कृति में काम किया, योग में काम किया, कैसे इतना सब कुछ? इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि योग साथ में था। तो आप जीवन में अपने टाइम को बहुत अधिक यूटिलाइज कर सकते। बहुत ही सारी चीज़ें अभी मुझे सीखने को, और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कह रहे ना एक एक करके चलते हैं। हमने, जैसे आपने बोला कि ध्यान निर्विचार जो है, अपने स्टेट ऑफ माइंड अपना ऐसे रखिए कि कुछ मत सोचिए, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? क्योंकि आजकल क्या है कि अब कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो हर किसी को चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंसान काम पे जाता है, काम पे जाता है तो 100 तरीके के स्ट्रेस, फिर घर भी आता है तो, और रिश्ते हैं, सारी चीज़ें। तो ये कैसे हम अपने इस माइंड को, कैसे इस अपने विचार को खत्म करें, किस तरीके से ध्यान करें? आपने एक बहुत अच्छी बात की, रोटी कपड़ा मकान ये हमको चाहिए, राइट? तो हमारी एक अवधारणा होती है, योगी मतलब जो कंदराओं में रह करके काम कर रहा है, योगी मतलब जिसने शादी नहीं की, योगी मतलब जिसके बच्चे नहीं हैं। पर पहले तो ये अवधारणा ही गलत है। कंदराओं में रहकर कोई भी योगी हो जाएगा, योगी मतलब भगौड़ा नहीं होता, साफ शब्दों में कहूँ तो। आपकी संस्कृति, आपकी योग की संस्कृति महादेव से शुरू होती है, उनसे बड़ा गृहस्थी कोई नहीं है। ईश्वर स्वयं गृहस्थी है जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है। फिर वो योगीराज हैं शिव, तो योगेश्वर कृष्ण गृहस्थी हैं। योग है ही गृहस्थियों के लिए। आपका बच्चा चिल्ला रहा है, उधर आपका पति चिल्ला रहा है, उधर ऑफिस का टेंशन हो रहा है, उधर रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो रही है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, उसमें भी आप योगस्थ स्थिति में आनंद ले सके, ये योग है। तो पहले तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि योगी मतलब जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है, तो फिर तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है ना, फिर योग की ज़रूरत क्या है? हम तो कहते हैं तुम अगर स्वस्थ हो तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, तुम जिस अवस्था में हो तुम शुरू करो, तब तो मेरे ज्ञान का कुछ यूज़ है ना। तो पहले तो ये हमें माइंडसेट चेंज करना है। दूसरी चीज़,
मैंने जैसे कहा छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से शुरू करिए। हम पहले मनुष्य पहले आज से 20 साल पहले अगर किसी से पूछो ना आप कब खाली होते हो, हाँ मैं अपने साथ सिर्फ तब होता हूँ जब मैं गाड़ी में होता हूँ, फिर हमारे पास एक गैजेट आ गया, ठीक है। अब इंसान से पूछो तुम कब खाली होते हो, एक मिनट भी नहीं होता, राइट। वो गाड़ी में बैठा हुआ माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहा है, वो पता नहीं जो भी कर रहा है वो उस पर। तो अभी क्या हो गया है, आपका मन एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं है। तो हमें थोड़ी समय के लिए, आपका मोबाइल को भी चार्ज करते हो ना, है ना, तो ये माइंड भी ऐसे ही है, यू हैव टू चार्ज इट। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, प्रणव उच्चारण करो, हाँ ओम का उच्चारण, ओके सबसे ईजी चीज़ होती है। कितनी देर करना चाहिए उच्चारण? हाँ वो डिपेंड करते हैं कि आप कितने किस अवस्था में है। कोई बिगनर है? बिगनर है, तीन बार कम से कम सुबह कर लो, तीन बार शाम को कर लो। ओके अगर आपको नींद नहीं आती आप रात को सोने से पहले 13 बार ओम का उच्चारण कर लो, आप देखेंगे पेट से लेके खोपड़ी तक सारा सिस्टम, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पूरा काम में आ गया, पूरी एक्टिविटी हो गई इतना सा करके, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या करिए, ब्रेथ अवेयरनेस। बाहर कहीं ध्यान लगाने से अच्छा अपने सांस पे ध्यान लगाओ। फिर एक बहुत सरल तरीका होता है जाप, आप जाप करिए। बट अभी तो दुर्भाग्य ये हो गया कि ऐसे ऐसे लोग धर्म के भी तो ठेकेदार बन गए ना, नहीं नहीं महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना, महिलाएं ओम का उच्चारण ना करें। कोई पूछे कहां, आप एक जगह तो बताइए जहां शास्त्र। तो क्या ये है कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती? आपकी संस्कृति में, पहले तो आपकी संस्कृति में महिला पुरुष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ आत्मन का कॉन्सेप्ट है। सो देयर इज नथिंग लाइक अ मेल एंड फीमेल, ये आपके धर्म में सनातन संस्कृति में नहीं है। आपको जहां भी कहा गया आत्मा के रूप में देखा गया है, वहां जेंडर वो आप तो वो संस्कृति है जो अर्ध नारीश्वर की संस्कृति है। मतलब सोचिए, विज्ञान आज कहता है लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज फेमिनाइन एनर्जी, राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज मस्कुलाइन एनर्जी। आप ये कब से मान रहे हो अर्ध नारीश्वर को? शिव क्या है? अर्ध नारीश्वर। आप इसे शुरू से, आज विज्ञान कहता है जो वूम्ब होता है, बच्चा जो होता है माँ के वूम्ब में, वो एक समय तक कोई जेंडर नहीं होता, एवरी वूम्ब इज अ फीमेल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ मेल। आप ये बात कब से मान रहे हो? आरंभ से। आप तो वैज्ञानिक रूप में बहुत मॉडर्न संस्कृति हम शुरू से रहे हैं, अब ये धकियानूसी बातें लेकर के आना महिलाओं को ये अलाउड नहीं है, महिलाओं को वो अलाउड नहीं है, क्योंकि शायद समाज महिला को रूल करते हुए देख नहीं सकता। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर है। अब वहाँ गायत्री मंत्र, नाम क्या है, गायत्री, हाँ ये एक इतनी बड़ी साजिश है। मैं अगर गायत्री मंत्र नहीं बोलूंगी तो मेरे बच्चे को गायत्री मंत्र कभी नहीं आएगा, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण माँ करती है, पिता नहीं करता है। पिता का कर्तव्य है घर चलाना, माँ का कर्तव्य है बीजारोपण करना संस्कारों का। बच्चा माँ से सीखता है। अगर मुझे गायत्री मंत्र नहीं आता, मेरे बच्चे को नहीं आएगा, मेरे बच्चे को नहीं आएगा, वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। वेरी सिंपल। सो ये तो एक पूरी सोची समझी साजिश चल रही है ना कि महिलाएं गायत्री मंत्र ना करें। अभी इसी से हम वाद विवाद जो है चल रहा था, फिर नई चीज़ आ गई, महिलाएं ओम का उच्चारण ना करें। मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। गायत्री मंत्र जोर से मत बोलो, क्यों मत बोलो? तो हर मैक्सिमम मंत्रों की शुरुआत ही ओम से होती है। ओम है परम पिता का नाम, ओम है मुक्ति का धाम। आप चाहते हैं महिला मुक्ति ना हो, ये अगर सोच है तो बहुत छोटी सोच है। ओम से बढ़कर, और ये तो वैज्ञानिक ध्वनि है भाई, और इसीलिए आपकी संस्कृति में इसे जोड़ा गया। आप योगाभ्यास करोगे तीन बार पहले, क्लास शुरू होने से पहले लास्ट में तीन बार, हो गया। आप कोई भी पूजा करें, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं, आप कोई मंत्र बोल रहे हैं, दैट बिगिंस विद ओम। तो ये एक बहुत ही प्लान्ड एजेंडा के रूप में मैं इसे देखती हूँ, आपकी संस्कृति को ख़त्म करने का। और महिलाओं को इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए, पुरुष भाइयों को भी नहीं। हम धर्म के नाम पर डराने का जो काम करते हैं ना, आपका धर्म में डर है ही नहीं। वो कह रहे परमात्मा से भी डर मत, उससे प्रेम कर। ये भक्ति का मार्ग, ये प्रेम का मार्ग है। बहुत ही अच्छी बात। इससे थोड़ा सा शायद ये हम टॉपिक से हट जाएं, योग से हम हट के कुछ और, लेकिन हाँ आप जैसे आप हर चीज़ में जानकारी रखते हैं, और साइंस की भी हम बात करें, और हम बात करें कि जैसे महिलाओं पर रोक की, तो एक और आजकल वीडियो वायरल हुई है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता है कि पीरियड्स को लेकर और मंदिरों को लेकर जो जोड़ा जा रहा है कि पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं जो है मंदिर नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, इसको भी लेकर बहुत विवाद हो रहा है। अगर आप इस पर थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर को बताएं, क्योंकि यंगस्टर अगर आज यंग जान जाएगा तो शायद हमारे जेन ज़ी जो है वो अगर नॉलेजेबल होंगे तो जेन एक्स और जो भी आगे आएंगे सब
को बताऊंगी, तो आप उनके लिए क्या कहना देखो, चाहेंगे? आप, मैंने आपको आरंभ में कहा कि आपकी संस्कृति विज्ञान की संस्कृति है, सनातन विज्ञान ही है, है ना। सनातन का अर्थ है जो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, इसलिए वो सनातन है। और आप उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, अभी कहते हैं हम तो सनातन है ना, तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। नहीं, आप पालन नहीं करेंगे, आप भी लुप्त हो जाएंगे बाकियों की तरह। वो सनातन इसलिए क्योंकि आप आत्मन के कॉन्सेप्ट को मानने वाली संस्कृति है। जब भी आप ये इसको लेकर के, हमने तो बहुत सालों से इस पर कई हमारे इंटरव्यूज हैं, महिलाओं का मुख्य कार्य एक समय पर क्या था, मंदिर की देखरेख और किचन की देखरेख, राइट। तीन दिन की ऐसी अवस्था जहां आप ब्लीड कर रहे हैं, जहां आपको बॉडी की वीकनेस है, वहां क्या प्रावधान किया गया, चलो इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं। सो दैट वॉज गिवन यू एज अ लिबर्टी, नॉट एज अ बंदिश, ठीक है। आपने उस रेस्टिंग पीरियड को एक जनरेशन तक इंजॉय किया, फिर आपने क्या कहना शुरू कर दिया, देखो देखो महिलाओं के अगेंस्ट है ये। आपको ये देखना होगा, आप 100 साल पुरानी 5000 साल पुरानी संस्कृति नहीं हो, आप एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जिसमें चीज़ें समय के साथ साथ परिवर्तित होती गई। फिर उस वक्त आप आज के परिवेश में देख रहे हो, मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बट उस समय को याद करो जब मंदिर जंगलों से होकर के जाना पड़ता था, राइट। वाइल्ड एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, वो ब्लड को स्मेल करते हैं। तो महिला की प्रोटेक्शन के लिए नियम बनाया गया कि वो जंगल से होकर के मंदिर ना जाए, इसलिए मंदिर नहीं जाना, मंदिर का काम ना करे, किचन का काम ना करे, तीन दिन रेस्ट दे। आप कहोगे, हम कहते हैं फर्स्ट थ्री डेज आपको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, आप कहोगे आप तो जेंडर बायस हो गई हैं, लेकिन ये तो विज्ञान कह रहा है कि अच्छा, पहले मतलब तीन दिन पीरियड्स में पहले तीन दिन योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब उसका दूसरा रीज़न क्या है, ये तो मंदिर और किचन की बात हुई, दूसरी चीज़ आप अगर ब्लड डोनेट भी करते हो ना, डॉक्टर भी आपको कहेगा तीन महीने आप दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करो, बट हियर यू आर ब्लीडिंग एवरी मंथ, यू डोंट रियलाइज बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, यू डोंट रियलाइज, नो आई डोंट फील वीकनेस। बट जो विज्ञान वैज्ञानिक है वो तो वैज्ञानिक ही है ना। जब आप, फिर हमारी प्राण शक्ति होती है, सो को कभी भी, जब पांच प्राण होते हैं हमारे शरीर में, प्राण अपान व्यान उदान समान, वो पांचों डायरेक्शंस में चलते हैं, तो हमारा जो लोअर प्राण है वो ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम ब्लीड करते हैं या हम पीरियड्स में होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर लेकर के आए, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसा अभ्यास जिसमें स्पिरिचुअली ऑल्सो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, तो हमारी एनर्जीज अपवर्ड होंगी। देन व्हाट हैपेंस, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स इन पुअर हेल्थ। तो इसलिए ये प्रावधान बनाए गए, इसमें कोई भी जेंडर बायस नहीं है। अब वहाँ तुम युद्ध शुरू कर दोगे, नहीं एक पक्ष तो कह रहा है ये होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है नहीं होना चाहिए, हम उसकी जड़ को तो समझ नहीं रहे कि वो किस रूप में आया था। और फिर ये तो उसका रीज़न था, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो परंपराएं बनती जाती हैं। परंपरा को जब भी तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, चार लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये गलत है, है ना। हमने उसके विज्ञान को समझा, वैज्ञानिक रूप से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर एक घर है, आपका घर है, आपने अपने घर के नियम बना रखे हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं आपके घर के नियम तोड़ूं, राइट और रॉन्ग, हर किसी के अपने नियम है ना। एक मंदिर है, वहाँ के पंडित ने, वहाँ के पुजारी ने एक नियम बनाया है, वहाँ का वो वहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, वो देख रेख कर रहा है, आप अपने घर पे कर लो आपको जो करना है। तो अननेसेसरीली हम कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पढ़ना चाहते हैं, मे बी वी वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी, और मे बी वी आर सो, अभी हमें इतनी समझ नहीं है, बहुत सी चीज़ें आयु के साथ समझ में आती हैं। तो उसका वैज्ञानिक पक्ष तो यही है, बाकी उस पर आप कितनी भी डिबेट करते रहिए आगे। तो यानी कि अगर हम जितने भी लोग ये डाउट में थे, जितने फीमेल या मेल या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग सवाल पूछते थे कि क्या गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए लड़कियों को, या पीरियड्स वाली जो लड़ाई आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, आज बहुत ही अच्छी तरीके से साइंटिफिकली आपको बता दिया गया कि क्या सही है क्या गलत है। अब क्या लेना है आपको, अच्छी बात लेनी है आपको उस लड़ाई पर जाकर, डिबेट पर जाकर, और उस वायरल वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है कि हाँ मेरा पक्ष ये है। तो अगर पक्ष आपको बताना है तो यही पक्ष रखिएगा जो आपने यहाँ से सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्लियर करना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जो ऑडियंस है उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आ जाते हैं फिर से, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर योग में इतनी शक्ति है, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि अगर योग से सच में हमारी हेल्थ की बहुत सारी हमारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं, तो जैसे बड़े बड़े बीमारियाँ हैं, कैंसर है, और भी बहुत तरीके की बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर उसका कोर्स 6 महीने तक किसी को
फॉर एग्जाम्पल किडनी की बीमारी हो गई, उसको 6 महीने का कोर्स कराया जा रहा है कि आप ये जो है दवाई खाओ। ऐसा कुछ योग का होता है कि आप योग का 6 महीने का दवाई से ठीक हो जाएगा या रिकवर करेगा, ये तो गारंटेड है? क्या योग भी ऐसे कमिटमेंट देता है कि मैं 6 महीने तक अगर आप ये योगावासन करो तो इसको करने के बाद आप ठीक हो सकते हो, तो क्या ऐसा कुछ है? आपने एक वर्ड यूज़ किया, कमिटमेंट। कमिटमेंट मॉडर्न मेडिसिन भी नहीं देती है। कमिट कोई नहीं करेगा, डॉक्टर भी आपको ये नहीं कहेगा पक्के से मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। तो अभी तक तो कोई ऐसा बना नहीं जो ये कहे कि मैं इसकी मृत्यु को रोक दूंगा। तो क्या चांसेस हैं? हाँ, ये सच है कि योग वर्क एज अ प्रिवेंशन, बट ये भी सच है कि योग ऑल्सो वर्क एज अ क्योर। पर उससे भी बड़ा सत्य ये है कि ये जो द्वंद्व है कि ये मॉडर्न मेडिसिन है और ये योग है और दोनों अलग हैं, तो आपको हम बता दें भारत योग परंपरा में मोक्षायतन योग संस्थान में हमारे मैक्सिमम योग टीचर्स डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम, और शायद अभी आदि ओनली लीनेज जहाँ डॉक्टर्स आकर के योग सीखते हैं। तो हमने हमेशा दोनों को समान लेकर के चला है। जब कभी कभी वेग की स्थिति में जो मॉडर्न मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, बट योग के द्वारा आप जो जड़ से एक चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं वो कभी भी दवा से नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के रूप में ब्लड प्रेशर, राइट? सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जब आपका ब्लड आपकी वेन्स में इतना थिक हो गया कि जा नहीं पा रहा, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पंप आपके हार्ट को लगाना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब हार्ट थक गया बेचारा पंप करते करते वो स्लो हो जाता है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो अब आप दवा खाते रहो जिंदगी भर, वो ब्लड जो है थिन होता रहेगा, लेकिन वो जो थिन होता जा रहा है उसके भी तो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे जो हमको झेलने पड़ेंगे। बट वहीं अब तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बात को कहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा हमारे तो कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं मोक्षायतन योग संस्थान जाओ, नियमित रूप से योग करो, है ना? तो योग इज़ द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट अगेन, जैसा मैंने कहा, आप सिर्फ कसरत मान करके योग को नहीं करोगे। पहली चीज़ जो योग में सबसे महत्वपूर्ण है वो है माइंड ट्रेनिंग। सी, वी हैव बीन बॉडी ट्रेन्ड थ्रू आवर लाइफ। जैसे मैं आपसे कहूँ हाथ उठाइए, आप उठा लेंगी, फिर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे। मैं आपसे कहूँ मुस्कुरा दो, आप मुस्कुरा भी दोगे। मैं आपको कहूँ दुखी हो जाओ, आप कहोगे हैं ऐसे कैसे, अभी तो मैं खुश हूँ। या मैं आपको कहूँ चलो खुश हो जाओ, ये कैसे? सो योर माइंड इज़ रूलिंग यू। आप सारी चीज़ उठा लो, आपके गोलगप्पे खाने की ज़बान नहीं करती, मन करता है। आज मेरा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, आज मेरा मन कर रहा है मूवी देखने का, आज मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, आज मेरा मन कर रहा है मैं शॉपिंग हुआ, आज मेरा मन कर रहा है मैं घूमने जाऊँ। सो यू आर बींग रूल्ड बाई योर माइंड। माइंड आपको क्या कह रहा है, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। आप क्या मान रहे हो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। वहीं जब आप माइंड को ट्रेन कर लेते हो, आधी प्रॉब्लम आपकी माइंड ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है। जैसे किसी घुटने दर्द वाले से मिलो, वो कभी आपसे खुश होकर नहीं मिलेगा, कहेगा आप पूछो आप कैसे हो, बस कट रही है थोड़ा घुटने, बहुत दर्द है। सो रिपीटेडली यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, रिपीटेडली। योग क्या कहता है, जब तुम्हारा मन, जैसे एक उदाहरण ले लो, पेट खराब हो जाता है ना, तो आप क्या करते हो, कभी देखा आपको लग रहा है लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, आपके यार दोस्त आते हैं घर पे, वो आपको कहते हैं चलना घूमने, देखते हैं, आप घूम फिर के आ गए, आपको मोशन हुआ ही नहीं रास्ते में। ऐसा कितनी बार होता है, बिकॉज योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड। तो योग में आप शरीर के साथ साथ प्राण शक्ति को, मन को नियंत्रित करते हो, सही आहार लेते हो और पूर्ण जीवन शैली के रूप में उसे अपनाते हो, तब लाभ निश्चित रूप से 100% होता है। और कैंसर तक के पेशेंट्स में लाभ देखा गया है, ये अतिशोक्ति नहीं है। विशेष रूप से पुरुषों में जैसे लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, आज ये बहुत कॉमन हो गया, इनफर्टिलिटी। मैं एक सवाल आपसे पूछने भी वाली थी कि फीमेल के साथ जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आजकल लेट शादियां हो रही हैं, उसके बाद उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो जो अब ठीक है, अब वो तो चेंज कर नहीं सकते कि अब पास्ट में जाएं और 20 साल में शादी करें, लेकिन जिन्होंने लेट शादी किया उनको कंसीविंग में दिक्कत हो रही है, नहीं कंसीव कर पा रहे, तो क्या योग उनको हेल्प करेगा? एब्सोल्युटली, योग ही करेगा, योग ही करेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ। क्या करना चाहिए उन्हें, अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें? ये मैं अगेन बात वही आ जाती है कि हमको ना इंस्टेंट चीजों की आदत पड़ गई है ना, रील भी देखेंगे इंस्टेंटली, खाना गर्म करेंगे इंस्टेंटली। वो आपको लिखना होगा, आप जो जो चाहेंगे कि हम किस तरीके के आपको योग के बारे में बताएं वो हम बताएंगे, लेकिन आज के इंटरव्यू में बस हम आप उनको थोड़ा सा गाइडेंस दें। जैसे आपने आहार की भी बात की, तो डाइट क्या चेंज करना चाहिए उनको, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें ताकि उनको थोड़ा फायदा हो? देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने खुद ही अपने प्रश्न में उत्तर दिया, लेट मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम, अर्ली मेनोपॉज इज अ प्रॉब्लम। इसको समझिए, लेट मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम,
मैरिज तो जब हो रही है बट मेनोपॉज बहुत अर्ली हो रहा है अभी भी. अभी कल ही हमारी एक विद्यार्थी, सो शी टोल्ड मी, गुरु जी आई गॉट माई मेनोपॉज व्हेन आई वाज 56 एंड वहीं एक यंग बच्ची है वो कह रही मेरे को 35 में मेनोपॉज हो गया. तो आपको समझना होगा कि आपकी जीवन शैली, कुछ सरल से नियम, मतलब मैं समझ गया आप ये जानना चाह रहे हो कि एक आम आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है. धूप लीजिए 20 मिनट, 4-5 नियम आप अगर जीवन में अपना लो आपको रोग नहीं होंगे. इसका एज से कोई रिलेशन नहीं, हर एज का, हर एज ग्रुप. आपको हड्डियों का दर्द है आप धूप लो, आपको स्किन की प्रॉब्लम है आप धूप लो, आपको इनफर्टिलिटी है आप धूप लो, आपका कपड़ा खराब हो जाता है आप उसे भी धूप में ही रखते हो ठीक करने के लिए, आपकी दाल में घुन लग जाता है आप उसे भी धूप में रखते हो. पर इस शरीर को नहीं रखते, क्यों? काले हो जाएंगे ना हम, है ना? जबकि मेरा तो भगवान भी काला ही है, लेकिन हम काले होने से डरते हैं. जेंडर, यू नो दिस कलर बायस हम बहुत ज़्यादा है. तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य की किरणें ही जीवन है. अगर एक पौधे को भी नहीं मिलती वो भी मर जाता है, बट आप अपने शरीर को नहीं रख रहे हो. सनलाइट लीजिए, एसी में कम बैठिए. एसी ने ऐसी की तैसी कर रखी है, ठीक है? तो जितना हो सकता है एसी को अवॉइड कीजिए, ठीक. तीसरी चीज़, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए, जो अभी हमने आपको दिखाया अट्टहास. चौथी चीज़, निंदा रस से दूर रहिए. निंदा रस, नेगेटिविटी, किसी की बुराइयां करना, उस टाइम को हम ऑफिस में करते हैं ना, लंच टाइम में बॉस की बुराई, स्कूल या में किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, उस वक्त क्या करो, ब्रेथ अवेयरनेस, ठीक है. और पांचवी चीज, अपने आहार में एक बोल वेजिटेबल्स रॉ, जिन्हें हम सलाद कहते हैं, और एक बोल फ्रेश फ्रूट्स, ये अपनी डाइट में जरूर ऐड करो. छठी चीज, पानी खूब पियो, ठीक है. सातवीं चीज, हल्का सा कोई व्यायाम 20 मिनट्स तक आप कर लीजिए. आई थिंक ये हर व्यक्ति कर सकता है. आप इतना सा भी करोगे ना, और समय से सो, समय से जगो. प्रकृति ने आपके लिए एक विंडो दिया है, यू नो नेचर हैज मेड अ विंडो फॉर यू. हम अपने विंडोज बनाते जा रहे हैं. हर जीव जंतु अंधेरा होने के बाद सो जाता है, सूर्य उगने के बाद उठ जाता है. हम बिस्तर में पड़े सोते रहते हैं और आप देखेंगे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स सुबह उस वक्त होते हैं जब हमें उठना चाहिए, लेकिन हम पड़े सो रहे होते हैं. सो अर्ली वेकिंग अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू आर वर्किंग लेट टिल नाइट, आप दिन में सो जाओ, उससे बेहतर तो वैसे नहीं सोना चाहिए, बट नींद पूरी नहीं हो रही आप दिन में सो जाओ, बट प्रातःकाल जरूर उठो. ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए. ये 6-7 चीज़ें बहुत ही आसान, और इसमें कोई, जैसे आजकल लोग ना ये भी देखते हैं कि कोई आपको रेमेडी देता तो उसमें पैसे लगते हैं, हाँ तो पैसे भी नहीं लग रहे हैं भाई, फ्री में है, करो. हाँ, और आठवीं चीज वो जो मशीन है उससे थोड़ा दूर रहो. अभी आप इस मशीन पे देख रहे हैं वीडियो, देखो और तुरंत फोन रखो और उसके बाद चालू कर दो सारी चीजें करना. तो बहुत ही अच्छी है आपने ये चीज बताई. एक हम बातों में अभी हमारी, आपने बोला कि हार्ट अटैक की बात की, आजकल एज नहीं देखता है ये हार्ट अटैक जो है ना, अटैक एज नहीं देखता, कभी भी आ जाता है, किसी को भी आ जा रहा है. क्या जिन लोगों को, अगर किसी को डर है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, उनको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, उनको इस डर से बचे रहने के लिए क्या कुछ ऐसा योग में बताया गया जो करें तो थोड़ा तो बचे रहेंगे? हृदय को, हमारे शरीर में चक्र होते हैं, तो हृदय से जो जुड़ा हुआ चक्र है ना, उसे अनाहत चक्र कहा गया. उसका अर्थ कितना सुंदर है, अनाहत, जिसे आप आहत नहीं कर सकते. तो अभी लोगों का हृदय बहुत आहत हुआ हुआ है ना, मतलब रिश्तों में आहत हुआ हुआ है, ख्वाहिशों में आहत हुआ हुआ है, हमारी ख्वाहिशें ही नहीं खत्म हो रही. मनुष्य का स्वभाव ये है कि बस एक घर हो जाए, घर हो जाए, एंड द मोमेंट यू गेट दैट घर यू विल नॉट एंजॉय दैट घर, यू वॉन्ट और बड़ा घर, और बड़ा घर. सो जो और है ना, योग की फिलॉसफी क्या कहती है, आपको आज एक सूत्र दे देते हैं, मतलब अगर आपके दर्शकों ने ये समझ लिया तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा. जीवन में आपके दुख का कारण है कि आप टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं. बस टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं. एक परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट जॉब लग जाए मेरी सरकारी वाली, है ना, परमानेंट रिलेशनशिप हो जाए. फिर एक दिन भूकंप आता है, आपका घर हिलता है और आपको रियलाइज़ होता है, अरे ये घर जिसके लिए मैंने ज़िंदगी लगा दी टेम्प्ररी था. फिर एक दिन आपको रियलाइज़ होता है ये मेरा शरीर भी टेम्प्ररी है. तो आज में जीना सीखो. मैं इस वक्त आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल एवरी डे, बट सिटिंग हेयर आई कॉन्ट थिंक अबाउट माई नेक्स्ट मीटिंग, यानी मैं इस मोमेंट को नहीं जी रही हूँ पूरा. यही गलती हम कर रहे हैं. हृदय पर बहुत बोझ आ गया है, बहुत बोझ आ गया है. हम उसको साइंटिफिकली भी अगर समझते हैं तो अगेन यहाँ प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ऑक्सीजन शरीर को अधिक मिलेगा तो ब्लड का फ्लो बॉडी में बेहतर होगा. हार्ट क्या करता है, हार्ट वो मोटर है घर में लगी होती है ना, मोटर जिससे पानी आता है, तो वो ही चला रहा है तुम्हारे शरीर को. ब्रेन क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी दे रहा है. तभी जब ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिंदा तो हैं हम लेकिन हम
कुछ कर नहीं पा रहे, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हार्ट को हल्का रखने के लिए अपने इमोशंस को हल्का रखो, क्षमा का दान दो, किसी ने कुछ कह दिया हो गया, आहार का ध्यान रखो और प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताओ। ये बहुत जरूरी है। देखो जिसके साथ हम रहते हैं, आपने देखो कुछ पति पत्नी कुछ समय बाद भाई बहन जैसे लगने लगते हैं। हाँ, है? लगता है एक जैसे, एक जैसे से, है ना, क्यों? जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम होते जाते हैं। तो अभी आप प्रकृति के साथ रहोगे आप खूबसूरत रहोगे, आप मशीनों के साथ रहोगे आप मशीन जैसे ही बनते चले जाओगे, फिर एक मशीन आँख पे लग जाएगी, एक कान पे लग जाएगी। तो प्रकृति के सानिध्य में समय बिताओ। जीवन बहुत सरल है, बहुत बहुत सहज है, हमने उसे नोइंगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं वो नहीं। प्रकृति को देखो, प्रकृति क्षणिक है, वो आज में जीना सिखाती है तुम्हें। ये पल अगर मेरा अच्छा है तो ना मेरा अतीत मुझे हॉन्ट कर सकता है, ना भविष्य की चिंता मुझे सता सकती है। जब मैं अतीत में रहता हूँ मैं तनाव में रहता हूँ, ये हो गया वो हो गया। जब मैं भविष्य में रहता हूँ मैं एंग्जाइटी में रहता हूँ। व्हाट इज एंग्जाइटी? एंग्शियसनेस। कैसे होगा, अरे मुझे इंटरव्यू लेना है, मुझे कैसे लूँ, अरे मुझको कल वहाँ जाना है, कैसे होगा। भविष्य में जी रहो ना, आज में जियो, आज अच्छा होगा भविष्य अपने आप अच्छा होगा। इससे बड़ा मंत्र हृदय के रोग का, तनाव का, चिंता का और कोई नहीं हो सकता। तो यानी कि जिन भी लोगों को डर लगा रहता है या अगर आप किसी को टेंशन में देखते हैं ना, तो उनको भी टोकिए, उनको भी बोलिए कि भाई आज में जियो, अभी बात कर लेते हैं, अभी दिल हल्का कर लेते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। उनका उनका टेंशन दूर करो, उनसे बात करो और आज में जियो। तो बहुत ही अच्छी बात, एक तो आपकी बात ना मेरे दिमाग में छप गई और मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी आप लोगों को भी ये जो आपने कहा ना टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश, ये तो क्या बात कही आपने। आगे बढ़ते, हमने हार्ट हेल्थ पे बात कर ली, हमने फेस ग्लो पर भी बात कर ली, हमने फीमेल के प्रॉब्लम पे भी बात कर ली। एक चीज़ जो है वो है डिप्रेशन। वो बहुत सारे लोग इस चीज़ से जो है, ख़ास तौर पे यंगस्टर, और शायद पहले भी होती होंगी ये चीज़ें, लेकिन ये वर्ड अभी आया है कि डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन है, बच्चे को थेरेपी दिला दो, काउंसलिंग दिला दो। अगर किसी पेरेंट को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा या किसी इंसान को खुद लगता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, पहले तो ये पता कैसे करें कि हम डिप्रेस्ड हैं? और दूसरी चीज़, अगर किसी को पता है तो उसको दूर करने के लिए क्या ध्यान या योग कैसे हेल्प कर सकता है उसको? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, हम लोग अपने बचपन में चलते हैं, कभी सुना था किसी को डिप्रेस्ड? बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं सुना था। फिर एक वर्ड आया वेस्ट से, दुखी मन को डिप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया। और मेरे लिए सबसे शॉकिंग तब था जब एक 9-7 साल की एक मेरी विद्यार्थी मेरे पास आई, बोली गुरुजी मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड आई थॉट, तुमको इसका मतलब भी पता है कि नहीं? मेरी मम्मा हर वक्त कहती है वो डिप्रेस्ड है, मेरे पापा हर वक्त कहते हैं वो डिप्रेस्ड है। तो ये बड़े सोच समझ के आपके दिमाग में घुसाया गया। अगर मनुष्य जीवन है तो खुश होना भी स्वाभाविक है, उदास होना भी स्वाभाविक है। आप हर व्यक्ति हर वक्त, हम लोग एक बार जेल में, हम लोगों ने कैदियों के लिए भी, वी डू लॉट ऑफ वर्क, सभी को पता है, तो हम जेल में काम कर रहे थे। तो एक बड़ी अच्छी बात हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी ने कही, उन्होंने कहा बेटा एक अपराधी 24 घंटे अपराधी नहीं रह सकता और एक संत भी 24 घंटे संत नहीं रह सकता। अपराधी के मन में भी कभी ना कभी दिव्य भाव आएंगे और संत के मन में भी कभी ना कभी गलत भाव आ जाते हैं। तो 24 घंटे आप एक मनस्थिति से नहीं जीते हो, तो उदास होना इज स्वाभाविक। हम उस उदासी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अवसाद, मेरी वॉन्ट, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, जैसा मैं चाहता था नहीं हुआ। आप किसी से प्रेम भी करते हो ना, अभी पीछे मैंने एक जगह ये बात बोली तो यंगस्टर्स को बड़ी अच्छी लगी, हमें लगा तुमको गुरुजी ये बताओ अब हमें किसी से प्रेम है वो नहीं मिला। पहले तो प्रेम में पाने की चाहत नहीं होती। दूसरी चीज़, प्रेम जो होता है ना, जो वर्ल्डली लव जिसे हम कहते हैं, वो होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हो, आप उसकी कंपनी में खुद को कैसा देखते हो आप उससे प्रेम करते हो, राइट? किसी के साथ मेरा डोपामाइन हार्मोन बढ़ रहा है, किसी के साथ मेरा ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे वो व्यक्ति नहीं अच्छा लग रहा, मुझे उस व्यक्ति के साथ मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे वो अच्छा लग रहा है। और अगर आपको एक ऐसा विज्ञान मिल जाए कि आपको आप हमेशा ही अच्छे लगने लगो, जैसे उसे बच्चे कहते हैं ना मैं अपना फेवरेट हूँ, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड विदाउट एनी रीज़न। मैं ये नहीं कह रही हूँ डिप्रेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अवसाद इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जीवन के कुछ ऐसे हमारे पड़ाव जो हमें बार बार हॉन्ट करते हैं,
तो एक जो सबसे बड़ी गलती, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न लिया, योग शिक्षक क्या करते हैं आजकल, तो 3-3 महीने में वो टीचर ट्रेनिंग हो जाती है, हाँ, टीचर ही बन गए। मैंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था लेकिन मुझे कुछ फायदा शायद मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं, नहीं 3 महीने में, मतलब डॉक्टर बनने के लिए 6 साल चाहिए, एक कथक में प्रभाकर होने के लिए, जिससे किसी का जीवन नहीं परिवर्तित करोगे आप, आत्म स्वांतः सुखाय, वहाँ भी 6 साल चाहिए, बट योग शिक्षक बन जाओगे आप 3 महीने में, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये तो जीवन भर की का विज्ञान है। फिर यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाती है, हम ये नहीं कह रहे अवसाद इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अवसाद प्रॉब्लम है, बट योग शिक्षक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़े बड़े योग शिक्षक आपको तुरंत मेडिटेशन कराएंगे जैसे आपको डिप्रेशन है। आपने सुना भी होगा, अरे तुमको डिप्रेशन है तुम मेडिटेशन करो। योग दर्शन में मन के रोगों में मेडिटेशन प्रोहिबिटेड होती है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। जैसे आप बैठोगे ना, आप डिप्रेस्ड हैं, आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप बैठोगे, आप जहां मन आपका एम्प्टी होगा, आपका मन उस ही स्थान पर जाएगा जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोर एक्टिव। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो, सूर्य के सानिध्य में रहो, कोई भी चाहे संगीत है, वोकल है, नृत्य है, कोई भी ऐसी साधना करो, डायनेमिक प्रैक्टिसेस। भारत योग में हम गतियाँ करते हैं, मूवमेंट की प्रैक्टिस करो, ट्राई टू स्टे मोर विद पीपल, सत साहित्य पढ़ो, और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप चाहते हो आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, रणभूमि के मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर शस्त्र त्याग देता है, कहता है मैं डिप्रेस हो गया हूँ, और उसका नाम है अर्जुन, और उसे श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन, राइट। तो गीता का अध्ययन, एंड वी हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप गीता का अध्ययन शुरू कर दीजिए। अध्ययन नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रहा, गीता का सार सुन लो, बहुत छोटा सा है, प्रतिदिन सुनो। योग निद्रा करो, हमारी योग निद्रा बड़ी प्रचलित है, एक गीता का सार बड़ा प्रचलित है, क्योंकि बच्चे डिप्रेस्ड हैं वो सुनते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप करोगे ना, आप देखेंगे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तामसिक भोजन से दूर रहो, सात्विक आहार, नॉन वेज, और सबसे पहली चीज़ जो आयुर्वेद में हम बंद करते हैं वो है लहसुन। डिप्रेशन के पेशेंट्स को लहसुन नहीं लेना चाहिए, सो ईट मोर ऑफ द नेचर फूड। बट लहसुन को तो हम साइंस में बोलते हैं, उससे मेडिकल साइंस बोलती है कि लहसुन खाने से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे सियाटिका हो गई, जैसे जॉइंट पेन हो गया, बट डिप्रेशन के केस में हमको लहसुन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। हाँ, आपने ये चीज़ बात, एक आपने अभी डांस की बात की, तो क्या हम जैसे योग की बात कर रहे हैं, उसमें हमने ध्यान प्राणायाम सारी चीज़ें बात की, क्या डांस भी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डांस भी जो है इसी का पार्ट है, तो क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, नृत्य और योग दोनों के प्रणेता भगवान शिव हैं, तो हम तो हमारी जो पूरी एजुकेशन रही वो ही शास्त्रीय नृत्य, संगीत, योग और भारतीय संस्कृति की रही। फिर हमने एज अ सीनियर डिप्लोमैट भी देश को अपनी सर्विसेज दी, बहुत देशों में कार्य किया, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू दो देशों के संबंधों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। मोक्षायतन योग संस्थान के माध्यम से अब हम 60 देशों में इस वक्त कार्य कर रहे हैं, और भारत में अवेयरनेस योग की फिर भी विलंब से आई, बाहर और भी पहले अवेयरनेस आ गई थी। जब हम नृत्य की बात करते हैं, मैं इसको आपको एक छोटे से उससे समझाऊंगी कि शास्त्रीय नृत्य एक थेरेपी है, एब्सोल्यूट थेरेपी। जैसे एक बार हमारा एक विद्यार्थी आया US से, ठीक है, तो उसने हमको एक डब्बा दिया, एकदम वेल पैक्ड डब्बा, उसके ऊपर लिखा हुआ था एनर्जी फूड $100, है गुरुजी दिस इज़ फॉर यू। ऐसे ठीक है, दे रहा है भाई, हमने भी ले लिया $100 एनर्जी फूड। घर जाके खोला तो निकला दलिया। हाँ, वो दलिया जो नुक्कड़ की दुकान पे 10 रुपए का मिलता था, वो विदेश गया, पैक होके मॉडर्न डब्बे में आया, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे कुछ आपके डांस थेरेपी के साथ हुआ, ठीक है। तो आपकी जो शास्त्रीय नृत्य है वो विदेश गए, मॉडर्न डब्बे में पैक होके डांस थेरेपी के रूप में वापस आए, आपने उसको एक्सेप्ट किया। बट इसके प्रणेता शिव हैं, इसलिए वो नटराज हैं, योगीराज नटराज। फिर कृष्ण कौन है, योगेश्वर नटवर। तो नृत्य और योग हमेशा साथ साथ चले हैं। बट जो शास्त्रीय नृत्य ने वो सिर्फ, अगेन जैसे योग को हमने सिर्फ कसरत मान लिया, शास्त्रीय नृत्य सिर्फ शरीर का नृत्य नहीं होता है, उसकी जो परिभाषा होती है ना वो होता है नाट्य जमा नृत्य, नृत्य इज इक्वल टू नृत्य, यानी नाट्य अभिनय। और अभिनय कब आएगा, जब आपका अपने मन पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होगा। मैंने आपसे क्या कहा, आप हंस रहे हो आप रो दो, आप रो रहे हो आप हंस दो, ये इजी नहीं है। मैं कथक जाती हूँ तो जो मेरी टीचर है वो मुझे कहती है भाव लाओ, हाँ। और मैं समझ नहीं पाती हूँ वो क्यों कह रही है भाव, हाँ। लाओ भाव लाओ, क्योंकि चेहरे पर भी भाव, क्योंकि भाव ही ब्रिज है आपके बीच और जो भी आप सोचते हो उसके बीच। जैसे आपने राम को नहीं देखा,
सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड राम? भाव. आपने कृष्ण को नहीं देखा, आपके और कृष्ण के बीच में क्या कनेक्शन है? भाव. आप मुझसे मिली आज, आप देखती जा रहे हो, मैं आपको देखती जा रही हूँ, क्या कनेक्ट हो रहा है? भाव. सो भाव ही तो जीवन है. जब आप अपने भाव को नियंत्रित कर लो, अब जो आपने डिप्रेशन की बात की, व्हाट इज दैट? भावों पर नियंत्रण ना होना. मन रो रहा है, उदास है, मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ ना. आप कितने कमज़ोर हो जाते हो अपने मन के आगे, जबकि मन आपका ही है. शरीर के आगे कमज़ोर नहीं होते. आपने हाथ को बोला उठ, हाथ उठ गया. मन को बोला खुश हो जा, मन खुश नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं है अपने भाव पर. तो ये जो मन का नियंत्रण है, शास्त्रीय नृत्य से भी वही आता है. योग में इट इज़ मोर साइंटिफिक, मोर स्टेप बाय स्टेप. नृत्य में हमको लगता है इट इज़ ओनली अ मेयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बट शास्त्रीय नृत्य इज नॉट अ मेयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. आज अगर राम कृष्ण शिव की कहानियों को किसी ने संजो कर रखा है, तो सिर्फ शास्त्रीय नृत्य ने रखा है. जब आप शास्त्रीय नृत्य सीखते हो, आपको दशावतार लर्न करने की जरूरत नहीं. बच्चों को आजकल पता ही नहीं दशावतार. उन्हें यही नहीं पता कि वेस्ट ने तो बाद में बताया पृथ्वी गोल है, तुम्हारे तो अवतार ने गोल पृथ्वी उठा ली थी. हम ये सब शास्त्र नृत्य में सीखते हैं. संस्कृत को संजो कर रखने का काम शास्त्र नृत्य ने किया. तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को शास्त्र नृत्य ज़रूर सिखाना चाहिए. और वो एक थेरेपी है. ये मुद्रा यहाँ आती है, नृत्य की मुद्रा बन जाती है, ये यहाँ आ जाती है, योग की मुद्रा बन जाती है ना. तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनकी पराकाष्ठा भी एक में है. हमारे 9 रस होते हैं, तो अंत में ना हम शांत रस में पहुँचते हैं. ऐसे योग में 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. अंत में हम शांत रस में पहुंचते हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ, आइदर यू रेस्ट इन पीस योरसेल्फ और परमात्मा विल रेस्ट यू इन पीस. तो जीते जी शांत हो जाओ, शांति में जियो, तो ना हार्ट अटैक होगा, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा. शांति के साथ अपना जीवन जियो. अभी क्या हो गया है, मुझे एक चीज़ और अनुभव होती है कि सोशल मीडिया, सी व्हेन अंटिल एंड अनलेस यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, इट्स वेरी गुड. बट व्हेन सोशल मीडिया स्टार्ट्स यूजिंग यू, प्रॉब्लम अराइजेस, राइट? तो पहले मेरा पड़ोसी के साथ कॉम्पिटिशन था, अब कोई दुनिया के किसी कोने में भी बैठा ना, मैं उसके साथ भी कम्पीट कर रहा हूँ. तो ये बहुत बड़ा रीज़न हुआ है. तो संतोष, योग का एक अंग होता है संतोष. जो है उसमें संतोष करना सीखो. अपनी यात्रा मत रोको, बट बी कंटेंटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, सब कुछ पालोगे लेकिन उसका आनंद ही नहीं ले पाओगे, तो उसको उसके पाने का कोई मतलब नहीं है, है ना. लोग हमको भी कहते हैं, सो आई एम वेरी वेरी चूजी अबाउट चूजिंग वेयर आई हैव टू गो, बिकॉज आई हैव स्पेंड माई होल लाइफ डूइंग दिस, राइट? तो अब भी अगर मैं उसका आनंद ही नहीं लूँ और भागते जाऊँ तो उसका क्या मायने है. तो जीवन को सुकून से जियो, इंस्टेंट मत जियो. इंस्टेंटली खाना माइक्रोवेव में रखा, इंस्टेंटली फ़ोटो खींची, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए. सुकून जीवन में बहुत ज़रूरी है. तो सुकून के साथ जीवन जियो, आपके आधे रोग वैसे ही दूर हो जाएंगे. और आपने एक और भी बहुत अच्छी बात बोली कि मन पे कंट्रोल इंसान का, क्योंकि कहता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार. तो मन पे भी कंट्रोल कर लो. तो डांस एक पार्ट है, हम कह सकते हैं कि डांस भी कर सकता है इंसान. अगर किसी को, जैसे कोई योग नहीं कर पा रहा है, जैसे आजकल थोड़ा सा मॉडर्न जो लोग हैं ना, हमारी हम जेंजी की ही बात करेंगे, कि बहुत सारे नहीं कर पाते, उनको योग का मतलब. बट अगर आप डांस में क्या समझते हो महत्वपूर्ण है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़ुम्बा एरोबिक्स. हाँ, मैं आपसे ये, अब ये जो ज़ुम्बा एरोबिक्स वाली बात है, मैं शास्त्रीय नृत्य की बात कर रही हूँ. वहाँ क्या है, प्योर मैथमेटिक्स, आपका ब्रेन डेवलप होता है. फिर आपके बोथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी काम करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घूंघट इधर से ही लूँगी, मैं घूंघट इधर से भी लूँगी. सो माई लेफ्ट साइड इज़ ऑल्सो इक्वली एक्टिव. मॉडर्न डांसर्स में ये नहीं होता है. हम भारत योग में क्या करवाते हैं, जब हम ध्यानम, एक कोर्स होता है हमारा टू इंक्रीज द कैपेसिटीज ऑफ योर ब्रेन एंड योर माइंड. तो राइट हैंडर्स को हम लेफ्ट हैंड से लिखवाते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को हम राइट हैंड से लिखवाते हैं. हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला. नॉर्मली लोग सोचते हैं चलो दो हिस्सों में बांट दो, राइट एंड लेफ्ट. तो जिनका लेफ्ट साइड एक्टिव होता है वो राइट हैंडर्स होते हैं, सो दे हैव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ. जिनका राइट साइड ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, मोर क्रिएटिव, आर्टिस्टिक. आवर प्राइम मिनिस्टर अमिताभ बच्चन, बिरजू महाराज, वंदनीय गुरुदेव, हमारे पिताजी, सो दे आर ऑल लेफ्ट हैंडर्स, राइट? तो वो दे आर मोर इनटू क्रिएटिविटी. बट कुछ योग में क्या होता है, हम दोनों पार्ट्स को इक्वल करने की के लिए दोनों हाथों की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. शास्त्र नृत्य में ये स्वतः होता है. तो आपका दोनों पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड योर ब्रेन आर एक्टिव. फिर उसमें प्योर मैथमेटिक्स है, तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटीज़ बढ़ती हैं. इमोशनल कंट्रोल है, तो आपका भाव कंट्रोल में आता है. बट जब आप ये वाले फॉर्म्स की बात करते हो, दे कैन बी यूज्ड ओनली एज कसरत, नॉट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट. यू कांट कंपेयर देम टू ट्रेडिशनल क्लासिकल योग, उससे भी नहीं.
ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं जुम्बा करूं, मैं जो भी आप कह रहे हैं वो करूं, लेकिन मैं शास्त्रीय नृत्य को नहीं जानूं, तो ये गलत है। उसको जाना, लाइक आई ऑलवेज से, अंग्रेजी बोलना इज़ नॉट रॉन्ग, आई कैन स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस, आई हैव वर्कड इन सो मेनी कंट्रीज़। अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, पर हिंदी को ना जानना गलत है। जुम्बा पिलाटिस करना गलत नहीं है, पर योग को ना जानना गलत है। मॉडर्न डांस करना गलत नहीं है, पर शास्त्रीय नृत्य को ना जानना गलत है। तो आप जीन्स पैंट पहनना गलत नहीं है, पर साड़ी सलवार कमीज़ को हीन समझना गलत है। तो आप पहले अपने आप को जानो, फिर दुनिया में सब कुछ जानते रहो। तो दोनों में अंतर है, वहाँ वो एक कंप्लीट साइंस है हमारा, जो क्लासिकल डांस, इवन क्लासिकल म्यूज़िक। सो यू कांट कंपेयर कि सिर्फ फिजिकल, हाँ फिजिकल पतला होना है, स्वेट करना है, स्किन अच्छी हो जाए, उसके लिए दैट इज़ गुड, बट एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको क्लासिकल चीज़ों की तरफ ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग भी ये डाउट में होते हैं कि अच्छा चलो जुम्बा कर लिया, हो तो गया, कर तो लिया, लेकिन क्या डिफरेंस है। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपको। एक और चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में ही, थायराइड जो है वो आजकल हर दूसरे इंसान को, किसी से पूछो मुझे वो है, या तो डायबिटीज़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, या फिर एक और है जो थर्ड नंबर पे आता है, वो है बीपी इशू, किसी को हाई है किसी को लो है। ये तीन चीज़ें हर मैक्सिमम छोटे से बड़े एज तक हर एज के लोगों में कुछ ना कुछ मिलता है। और ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। क्या कुछ ऐसा योग में बताया गया है कि इन चीज़ों पर स्टार्टिंग से ही अगर आप वो प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में रखो तो ये चीज़ें नहीं होंगी आपको? देखिए, थायराइड हमारे ग्लैंड होता है, तो थायरॉक्सिन उसमें से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जब वो ज़्यादा होता है कम होता है तो दिक्कत होती है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें एक में आपका वज़न बढ़ता है, एक में आपका वज़न घटता है। ऐसे ही शुगर, वो भी अगेन हार्मोन्स है, सारा हमारे हार्मोन से जुड़ा हुआ। वहाँ पर हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज एफिशिएंटली काम करता है, वो नहीं हो रहा तो हम बाहर से उसे लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बाहर से जब आप, जैसे आप घर पर खाना बनाती हैं लेट्स से, ठीक है, आपके पास एक हेल्प आ गई, उसने 3 महीना काम किया, आपने बचपन से बनाया खाना, 4th महीने जब आपको खुद करना पड़ेगा ना, तो आपको दिक्कत होगी, राइट? सिमिलरली जब हम ये हॉर्मोन्स बाहर से लेने लगते हैं तो बॉडी और रिलैक्स होती जाती है, और रिलैक्स होती जाती है। तो आपने जब एक बार बाहर से लेना शुरू किया, जब भी खुद से वो हॉर्मोन सिक्रीट करना पड़ेगा, शरीर को दिक्कत होगी, क्योंकि वो करना नहीं चाहता, शरीर भी तो रेस्टिंग मोड में आ जाता है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जितने लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ऐसी चाहे ब्लड प्रेशर है, कोशिश करें उसको प्राकृतिक तरीके से हम पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो ही नहीं रहा, देन फिर आप गो फॉर बाहर से लेना। उसके लिए आपको दैनिक योगाभ्यास करना पड़ेगा, एंड देन देर आर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। बिल्कुल योग में भी ना ऐसे ही होता है, जैसे एट द काउंटर मेडिसिन जो कोई भी कर ले, विरेचन गति हो गई, ताड़ासन हो गया, कटी चक्र की क्रियाएं हो गई, प्राणायाम हो गया, बट देन देर आर स्पेसिफिक, अब मेरे को इसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, तो तब फिर हम उनको स्पेसिफिक शेड्यूल्स कराते हैं। बट ये मैं आपको बता दूं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का परमानेंट क्योर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योग में है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप हाइपर हाइपो दोनों को योग से क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज़ का परमानेंट क्योर मेडिकल साइंस के पास अभी नहीं है, बट जो मेडिकल साइंस कर सकती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे इससे अब पता चला, आपने इतने काट के दिखा दिया, डॉक्टर्स हमारे पीछे लग गए है ना। तो डॉक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर खुद कहेगा भाई इंसुलिन लेते रहो तो ठीक रहेगा, डॉक्टर खुद आपको कहेंगे भारत योग कर लो, आप सनलाइट में बैठो, आप सही आहार लो। परमानेंट क्योर अगर कहीं है तो सिर्फ योग में है। और बिल्कुल ये जो अवधारणा है ना, योग तो बुजुर्गों का काम है, योग तो जो है एक उम्र के बाद करने की चीज़ है। अभी पूछने ही वाली थी, तो पहले इसको क्लियर कर देते कि हाँ ये तीनों चीज़ें जो हैं वो योग से, इस पर आप बहुत ही हद तक काबू भी पा सकते हैं, नहीं आप उसे क्योर कर सकते, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम काटेंगे तो ये पूरा काटेंगे क्योंकि क्या होता है ना, अगर किसी को थायराइड हो जाए तो मैंने देखा है कि वो लाइफ लॉन्ग उसको होता है कि एक थायरॉयड रोज, हाँ तो फिर बॉडी अंदर से बनाएगी नहीं ना वो हार्मोन। जैसे मैंने आपको कहा, जब आपको बाहर से लेने की आदत पड़ गई, अब तो बॉडी को तो आराम मिल गया ना, तो वो अंदर से, लेकिन जब हम ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं दैट वी क्रिएट दैट हार्मोन विद इन आवर बॉडी, तो वो बहुत सरल है, मतलब वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और हमारे यहाँ तो थायराइड के पेशेंट्स ईजिली हम थायराइड कहते हैं, दो इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, ये तो यूँ 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं, फिर आप रेगुलर करते रहो उसको अपने दिनचर्या को, यानी एक बार सीख लो और उसके बाद फिर आप रेगुलर करते रहो। बिल्कुल, तो थायरॉक्स खाने से अच्छा है, अब आप बीपी की दवाइयाँ लेंगे, आप और कोई जाके इंसुलिन लेंगे, उससे अच्छा है आप
सीख लो 2 महीने और बिना किसी इस तरीके की चीज़ के, उसमें तो पैसे भी नहीं लगने, फिर आपके लोग पैसे भी जोड़ते हैं। तो ये नहीं, दवा के भी तो पैसे देते ही होंगे। हाँ, इसीलिए हाँ। दे रही हूँ। हाँ, सबको 2 महीने सीखना पड़ेगा, उसके बाद लाइफ लॉन्ग। हाँ, लाइफ लॉन्ग, इट इज योर्स, इट इज योर्स। तो अभी आपने जो एक बात बोली, मैं इसलिए आपसे, क्योंकि आजकल एक टर्म चल रहा है मॉडर्न योगी, क्योंकि सोशल मीडिया हम भी देखते रहते हैं, क्योंकि हम देखते ही हैं क्योंकि लोगों के सवाल उठा सके। तो एक आजकल टर्म चला है मॉडर्न योगी, क्या एक योगी मॉडर्न उसके आगे लगाना जरूरी है? कि योगी सिर्फ कहा तो वो मॉडर्न नहीं है? योगी मॉडर्न नहीं होगा, योगी पुराना कैसे हो सकता है? पहली चीज, योगी तो रहेगा ही मॉडर्न, बिकॉज योगी को तो अपडेटेड रहना होगा। सी योर, आज मैं आज ये कहूँ कि 20 साल पुराने डिजीजेज और थे, आज के डिजीजेज और हैं। 20 साल पुराने एक सूत्र आता है कि विज्ञान भी कहता है, क्षण क्षण एवरी सेकेंड योर बॉडी इज चेंजिंग। अभी आप मेरे से बात करो ना, हम 1 घंटा बात करें, उतनी देर में आपके मिलियंस ऑफ सेल्स मर गए आपके अंदर और मिलियंस ऑफ सेल्स रीजनरेट हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये विज्ञान कह रहा है। सो एवरी मोमेंट योर बॉडी इज चेंजिंग। जस्ट इमेजिन आपके जीवन में कोई बदलाव ही ना आए, हाउ मोनोटोनस एंड हाउ बोरिंग योर लाइफ विल बी, राइट? हम चाहते हैं मेरी झुर्रियाँ ना आए, मेरी बाल ना सफ़ेद हों, मैं एज ना करूँ, जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि जीवन प्रतिपल बदल रहा है, आपका शरीर भी प्रतिपल बदल रहा है। तो जब ह्यूमन बॉडी प्रतिपल बदल रही है, तो एक योगी रिजिड होके बैठ जाए, नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मोक्षायतन योग संस्थान भारत की 10 लीडिंग योग ऑर्गेनाइजेशन है। वी वर्क क्लोजली विद आयुष मिनिस्ट्री, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग के जितने सेलिब्रेशन होते हैं, वी वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट। और अब से नहीं, कब से मोक्षायतन कब से काम कर रहा है, 1973 से, वी हैव कम्प्लीटेड आवर 50 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब कोविड आया तो 60 कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। हमने कभी ऑनलाइन टीचिंग्स नहीं करी थी, क्योंकि सोचा ही नहीं था ना ऐसा भी कभी हो सकता है। लोग आते थे, विदेशों से आते हैं, आश्रम में रहते हैं, सीखते हैं। कोविड आया, हमने पहली बार ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए, एंड आई एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज वेरी एडमेंट, नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन नहीं योग हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। शिष्य सामने बैठा हो, हम उसे महसूस करें तब। आप बिलीव करेंगे, हमने पहला कोर्स किया, हमने अभी डिक्लेयर किया, कोर्स पूरा फुल हो गया, दूसरा किया, तीसरा किया, उसके बाद कोविड गॉन, पैंडेमिक, चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब हमारे विद्यार्थी रोने लगे, बोले हम जिन परिस्थिति में, हम तो आके कभी सीख ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने समय के साथ अपने आप को बदला। नाउ वी हैव अ सेपरेट विंग ऑफ आवर ऑनलाइन अकेडमी, जिसमें पूरा दिन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। फिर वो पूरा अपना 500 घंटे का कोर्स करने के बाद, दे कम टू आश्रम, दे स्टे देयर फॉर योगाचार्य कोर्स। तो हमें समय के साथ परिवर्तन जब तक नहीं है, कोई भी चीज़ मॉडर्न हुए बिना चल ही नहीं सकती है, है ना? मैं कहूँ कि नहीं नहीं, मैं, मुझे तो संस्कृत आती है, तो मैं आपसे संस्कृत में ही इंटरव्यू दूंगी, आप कहोगे गुरु जी आप बैठो हमने घर में, हाँ? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, साल भर लग जाएगा, हाँ? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी चीज़ कम्युनिकेशन, लाइक हम कभी कभी बहुत अच्छे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं इंप्रेस करने के लिए, सब बोलते हैं गुरु जी इतनी अच्छी जो है वो आता है भाषा, बट वट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप मेरी बात समझ पाओ, यही तो यूज़ है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, योगी तो मॉडर्न हुए बिना रहे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे समय के साथ परिवर्तन जब तक नहीं है, तब तक आप रिजिड हो जाओगे, आप पीछे कहीं छूट जाओगे। और जो आपने गायत्री मंत्र के लिए भी बात कही ना, उस पर मुझे याद है हमारे पूज्य दादाजी एक बात कहा करते थे, बेटा जिस चीज़ को ख़त्म करना है ना, उसे बोलना बंद कर दो। अगर किसी चीज़ को मारना है ना, उसकी बात मत करो, वो धीरे धीरे अपने आप मर जाएगी। तो अगर हम योग की बात नहीं करेंगे, अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। तो हम तो इस मामले में बड़े ढीठ हैं, हम तो कहते हैं हर किसी को, भाई योग का कार्यक्रम चलाओ, योग का प्रोग्राम करो, ताकि जन जन को लाभ हो और आप अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें। तो इसलिए मैंने ये बोला, क्योंकि क्या होता है ना आजकल, जैसे आप लोगों को देखेंगे योग जैसे करना शुरू किया, लड़कों में खास तौर पे बाल लंबे करके एक पीछे चोटी बना लेंगे और वो पूरा, तो लोगों को लगता था कि अरे ये मॉडर्न योगी, अभी हमारे भी ऐसे एक था, इसकी लाइफ 1.5-2 साल में चेंज हो गई, इसकी तो चुटिया बन गई, इसने माले वाला पहन के, और तो उसको देख के लोग इसीलिए बोलते कि ये मॉडर्न योगी, हाँ। आज के टाइम का योगी हो गया। इफ ही और शी इज इंस्पायरिंग यू, देन इट इज गुड, ओके, व्हाई नॉट, है ना? अगर एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, आप मुझे गारंटी से आप बताओ, आपको कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ऐसा जिसने आपको ये ना कहा एक बार ट्राई कर,
हर कोई कहेगा ट्राई तो कर, कोई शराब पीता होगा अरे बड़ा मजा है इसमें तो ट्राई तो कर, फिर जब आप अच्छा काम कर रहे हो भाई आ जरा ट्राई तो कर, चल जरा योगा अभ्यास कर ट्राई कर बड़ा मजा है, अरे यज्ञ करो बड़ा मजा आता है, अरे मंदिर चलो बड़ा मजा आता है, तो अंटिल एंड अनलेस यू आर इंस्पायरिंग पीपल देन इट इज़ गुड, बट हाँ वो आपकी विद्या को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, तो चाहे वो चोटी बना रहा है चाहे वो बाल नहीं रख रहा है, है? लेकिन वो लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन ला रहा है तो सही है, बिल्कुल सही है। एक और चीज़ मैं आपसे आखिरी चीज़ पूछूंगी, क्योंकि क्या है ना अगर मैं बातें करने जाऊँ तो ये तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन हाँ आज के लिए हम इतना ही, एक आखिरी क्वेश्चन के बाद मैं लोगों पे छोड़ दूंगी कि वो सवाल पूछे, और एक रिचुअल है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगी, हमारे शो का रिचुअल है। तो आखिरी सवाल ये है कि आपने अभी हमारे इंटरव्यू शुरू होने से पहले चीनी की बात की थी, शुगर की बात की थी, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को सोचते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, इवन मेरे घर में भी मीठा इतना ज़्यादा खा रही मोटी हो जाएगी, अरे मीठा मत खा मीठा बीमारी हो जाएगी, तो क्या सच में ये जो लोगों की सोच है कि ज़्यादा मीठा खाने से बीमारी हो जाती है, या मीठा बहुत ही जितना कम करोगे उतने हेल्दी रहोगे? ये जो सोच है ना कि किसी भी चीज़ को जीवन से कम्प्लीटली कट कर देना, किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, किसी वजह से ये चार होंगे ना, कि नहीं हम ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जंप कर जाएं, तो वो जो बीच में छूट गया ना आपका आकर्षण हमेशा उसके प्रति रहेगा, हमेशा रहेगा, ये तो लॉ ऑफ नेचर है ना, जो चीज़ छूट गई ना उसके प्रति आकर्षित रहोगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है मॉडरेट अमाउंट में हर काम को करना, और यही योग सिखाता है, बैलेंस, हाउ टू लिव योर लाइफ इन बैलेंस। आहार के ऊपर, आहार एक पूरा विज्ञान है, योग का अभिन्न अंग है, बट उसको बहुत सरल तरीके से अगर मैं आपको दो लाइन में समझाऊं तो ये कि हमारे षड रस होते हैं, मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला। अगर ये षड रस आपके भोजन में है इक्वल अमाउंट में, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। बट हो क्या गया, कोई खट्टा ही खट्टा खा रहा है, कोई मीठा ही मीठा खा रहा है, कोई नमक ही नमक खा रहा है, जो नमक खा रहा है उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जो मीठा खा रहा है उसको शुगर हो गया, जो चटपटा खा रहा है उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कड़वा कसैला कोई नहीं खा रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा। मेरी मम्मी ना इतना अच्छा करेला बनाती है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता, तो उसमें बचा ही गया है करेले में, अगर वो कड़वा ही नहीं लग रहा है तो उसका तो जो एसेंस है वो ख़त्म। तो हमको अपनी डाइट में 6 रस ऐड करने चाहिए, लेकिन चीनी नहीं खानी चाहिए, मीठा खाना चाहिए, गुड़। अब उसका जो नेचुरल सोर्स है, गुड़ भी एब्सोल्यूट नेचुरल सोर्स नहीं होता है, दो गुड़ शक्कर जागरी पाउडर, दैट इज मच बेटर देन चीनी, लेकिन नेचुरल सोर्स है फ्रूट्स, डेट्स, रेजन्स, राइट, जो एक्चुअल नेचुरल सोर्स है, गन्ना, पर जब गन्ना चीनी बन गया तो वो जहर बन गया, तो चीनी तो जहर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आपको विज्ञान भी आज कहेगा, आप चीनी खाना बंद कर दो आपके कैंसरस सेल्स मर जाएंगे, वो बढ़ाता है उनको, राइट। बट आप मॉडरेट अमाउंट में ये सारे रस लीजिए, अगर आप मीठा खाना बंद कर देंगे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोफिन, ये रिलीज़ नहीं होंगे, और जब ये रिलीज़ नहीं होंगे आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आपने देखा होगा आप कभी बहुत सैड हो, आप थोड़ा सा कुछ मीठा खा लो, एकदम एनर्जी आ जाती है। सो मीठा इज़ एनर्जी, मीठा इज़ हैप्पीनेस, और पहले कहते थे ये मोटा आदमी ना ये खुश है, बचपन में हम लोग सुनते थे, वाई, बिकॉज ही इज़ ईटिंग मीठा। तो मीठा हमें अपनी डाइट से कट नहीं करना चाहिए। आप तो सारे भगवान को भोग भी मीठे के लगाते हो ना, है ना, क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हो यू नीड टू बी हैप्पी, सो हैप्पीनेस, एंड भूखा कभी नहीं रहना, हंग्री मीन्स एंग्री, जो हंग्री है वो एंग्री है। घर पे कोई डाइटिंग शुरू कर दे बाकी कहेंगे ओ भाई अब देखो घर में कलेश होने वाला है, राइट। तो भूखा नहीं रहिए, डोंट स्टार्व योर सेल्फ, टेक अ राइट डाइट, मतलब सही समय पर सही डाइट लो, वी शेप में डाइट लो अगर आपको वी शेप की बॉडी चाहिए, ओके, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा, लंच उससे कम, डिनर फकीर जैसा, पर खाना हम ऐसे खाते हैं, भागते भागते नाश्ता, ऑफिस में थोड़ा सा लंच, रात को डिनर अच्छे से करते हैं। डाइट की बात करें, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं कि दो मील्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्या ये बात सही? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये डिपेंड आपकी बॉडी पर करता है। जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति है उसको आप बहुत लंबा गैप नहीं दे सकते, एक ही रूल हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल नहीं होता है, है ना, किसी को बहुत एसिड बनता है, गैस बनती है, उसको आप ज़्यादा गैप दे दो उसको एसिड होना शुरू हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। डाइट का रूल बहुत सिंपल है, वी शेप में खाओ, और कायदे में हमें, इट्स ऑल अबाउट दो वक्त की रोटी, आप कोई भी अपना ग्रंथ उठा के देख लो, तीन वक्त की रोटी की बात नहीं है, दो वक्त की,
तो एक हम मॉर्निंग मील लेते हैं, एक हम इवनिंग मील लेते हैं. सो लेट्स से एक बार 9-10 बजे के आसपास ले लिया, एक बार 4 और 6 बजे के बीच में ले लिया, दैट्स इनफ. इससे ज़्यादा नाउ डिपेंड्स. अब जैसे हमारे पूज्य पिताजी स्वामी भारत भूषण जी, वो मिस्टर इंडिया रहे 10 ईयर्स एंड दी ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया. तो उस वक्त वो पते कैसे, हमको बचपन का याद है, तो वो कहते थे 8 रोटी 8 बार, 4 रोटी 4 बार, 2 रोटी 2 बार, 1 रोटी अनेक बार, तब तक लाते रहना जब तक मैं मना ना करूं. और आज वही व्यक्ति इन हिज 70s, 75 से भी ऊपर के होने वाले हैं, लगते नहीं हैं, वो 1 रोटी भी नहीं खाते दिन में. क्योंकि शरीर की जब उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो भोजन का नियम बहुत सरल है, खाना खाने के आधा पौना घंटा पहले पानी पीजिए 2 ग्लास, उसकी थोड़ी देर बाद सलाद खाइए, और भूख से आधा भोजन कीजिए हमेशा. क्योंकि जो आपका पेट होता है ना, वो आधा भोजन से फिल होना चाहिए, 1/4 स्पेस जो है वो एयर के लिए छोड़ना चाहिए, 1/4 फॉर वाटर. जब आप वो एयर के लिए जगह नहीं छोड़ते तो आप एयर छोड़ते हैं, है ना. तो आप क्या कह रहे हो, बहुत गैस हो रही है, सबको पता है भाई मूली के पराठे का. वो नहीं करना चाहिए. सो ऑलवेज आधा पेट भोजन, 1/4 हवा, 1/4 पानी, ये आपका नियम होना चाहिए. भोजन के तुरंत बाद जल नहीं लेना चाहिए, भोजन के बीच में जल नहीं लेना चाहिए. भोजन से पहले लिया गया जल अमृत के समान होता है, बीच में लिया गया जल जल के समान होता है, तुरंत बाद लिया गया जल विष के समान होता है. सूर्य अस्त तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए. सन के साथ आपका डाइजेशन काम करता है. सनसेट किचन बंद, सनराइज किचन ओपन. अब लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट ऑफिस से आते हैं और उनको भूख लगी होती है, तो क्या आफ्टर सनसेट जो है कुछ खाना ही नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें अगर भूख लगी तो खा. हमारा जो आयुर्वेद है वो सनसेट के बाद दूध पीने की परमिशन देता है. तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सनसेट तक खा लें. बट अगर कोई आ ही ऑफिस से लेट रहा है, तो बहुत सारे हमारे साधक हैं ऐसे, तो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ बहुत लाइट चीज़ें, थोड़े रोस्टेड मखाने कैरी कर लिए, थोड़े नट्स कैरी कर लिए, फ्रूट्स कैरी कर लिए. वैसे भी रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत ही हल्का. तो उसमें हमें रोटी पराठे दाल ये सब हमको नहीं लेना चाहिए. खिचड़ी ले ली, कभी सूप ले लिया, ये हमारा रात का भोजन होना चाहिए. सुबह खाइए आप छक्के, अच्छे से भोजन कीजिए. सुबह आप जो भी खाओगे हजम है, लेकिन शाम को आप जो भी खाओगे वो फैट में कन्वर्ट होगा. तो ये हमारा रूटीन होना चाहिए. तो एक तो बहुत ही इसको अगर सिंपल आप समझो, तो एक तो होता है ना कि हम जब देखते हैं सामने वालों को, अच्छा वो ये खा रहा है, वो हेल्दी दिख रहा है, ये खा रहा है, वो ग्लो कर रहा है, तो मैं भी वो खा लेता हूँ. तो हमेशा खाना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाना. एब्सोल्युटली. कि आप पहले अपनी बॉडी को पहचानो, उसके बाद ही आप खाओ. मैं ब्रेकफास्ट किया और मुझे खाने का मन नहीं है, और मैं सीधे शाम को खाऊं, तो और मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, तो जरूरी तो नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊं, ये तो मेरी बॉडी की नीड है. समय आपका ना, भोजन का समय फिक्स होना चाहिए. ओके. मतलब एक नियम तो ये भी होता है कि जब भूख लगे तब खाओ, लेकिन वो भी तब एप्लीकेबल है जब आपका टाइम फिक्स है. तो ये जो होता है ना कि मैं एक दिन 1 बजे लंच कर रहा हूँ, फिर मैं अगले दिन 3 बजे लंच कर रहा हूँ, आपका पेट 100% ख़राब होगा. तो अपना टाइम फिक्स करके हमें उसी ही टाइम पर खाना चाहिए, भले मैं छोटा सा खा लूँ कुछ. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा पेट भरा हुआ है देन अननेसेसरीली हम उसमें ठूसते जाएं. इससे बड़ी हिंसा तो कोई हो ही नहीं सकती, है ना, जो योगिक फिलॉसफी के अगेंस्ट है. तो अपने आप से वायलेंस कर जाते हो, वो हमको नहीं करना चाहिए. तो इसका मतलब है खाना उतना ही खाओ जितनी आपकी बॉडी को नीड है, और साथ ही साथ पहले अपने शरीर को जानो, उसके बाद ही आप खाओ. और मीठा, जो लोग कहते हैं शुगर जो है, चीनी जो है वो हार्मफुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मीठा खाना ही बंद कर दो, नहीं तो जीवन से मिठास खत्म हो जाएगी. जैसा आप कह रहे थे, तो मीठा खाना खा सकते हैं. तो बहुत सारी हमने बातें की, एक और चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, बस मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम इसको जो है आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करेंगे. कि लोग जैसे कहते हैं, जब जैसे भी हम बीच में बात कर रहे थे कि जितनी नीड हो उतना ही खाना खाना चाहिए, अगर किसी को नहीं है बॉडी को ज़बरदस्ती नहीं ठूसना चाहिए, यानी आपने आपको खाना मत दो. तो क्या ये बात सच है कि अगर भूख ना लगे तो नहीं खाते हैं? नहीं तो कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं अरे तुम तो सुबह तुमने खाया था, तुमने दोपहर में नहीं खाया, तुम बीमार पड़ जाओगे. आप खाने के लिए मत जियो, आप जीने के लिए खाओ, बस इतना सा नियम है. ओके. खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ. तो जितनी शरीर की ज़रूरत है उतना खाओ. और जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, योगी विद्यार्थी, उसके लक्षणों में आता है अल्पहारी, बहुत ज़्यादा खाने में इंडल्जमेंट. मतलब अभी क्या हो गया है, हम हर वक्त यही सोच रहे हैं अभी मेरे को ये खाना है, ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है. कितना डायलिसिस कर दिया ना, मतलब फूड का. अरे भोजन है, धन्यवाद के भाव के साथ खाओ, प्रभु को धन्यवाद करके खाओ, अच्छे लोगों की संगति में खाओ, और जैसा मैंने कहा पेट भूख से आधा खाओ. जब आप भूख से आधा खाओगे
तो आपको नेक्स्ट मील तक कभी भी ओवर हंगर भी नहीं होगी और ओवर फुलफिल्ड भी नहीं फील करोगे। जब मैंने खाया ही भूख से आधा, लेट्स से माय एपेटाइट इज 2 चपाती, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ईट ओनली 1 चपाती। ये आपको करना ही होगा, वरना आपका पूरा सिस्टम बिगड़ता जाएगा। हमेशा भूख से आधा खाइए और सही समय पर खाइए। मतलब हमारे भोजन के नियम होते हैं, क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, क्यों खाऊं, स्वास्थ्य के लिए खाओ, कब खाऊं, सूर्य अस्त से पहले खाओ, कैसे खाऊं, चौकड़ी मार करके हाथ से खाओ, कितना खाऊं, भूख से आधा खाओ, खाऊं कि ना खाऊं, जब खाने को देखकर ये प्रश्न आए खाऊं कि ना खाऊं, मतलब मत खाओ, यानी यू आर नॉट हंग्री, यू डोंट नीड टू पुट इट इनसाइड योर बॉडी। और जाऊं कि ना जाऊं, पेट में गुड़गुड़ हो तो ज़रूर जाओ, ठीक है। तो पहले जो है ना, पहले इंसान को भूख लगती थी वो घर की तरफ भागता था, और पेट में गुड़गुड़ होती थी बाहर की तरफ भागता था। चलो अब तो प्रधानमंत्री जी ने शौचालय वौचालय बनवा दिया, दोनों घर में ही है, दोनों घर पे नहीं है ना, अब उल्टा हो गया, अब भूख लगती है बाहर की तरफ भागता है और पेट में गुड़गुड़ होती है घर की तरफ। चलो घर की तरफ गुड़गुड़ में भागना इज ओके, बट भूख लगने में घर की से बाहर भागना इज रॉन्ग। घर का भोजन खाइए, घर की दाल रोटी भी मिल जाए, दाल चावल भी मिल जाए, सूखी रोटी भी मिल जाए, वो भी बाहर वाली से बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। सो मेक श्योर दैट यू ईट एट होम। और स्त्री है या पुरुष है, सबको खाना बनाना आना चाहिए, ये स्त्रियों का काम नहीं है सिर्फ, आप इट इज़ अ सर्वाइवल स्किल, हर व्यक्ति को खाना बनाना आना चाहिए ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। इसके बाद ना, ये लाइन सुनने के बाद जितनी फीमेल होंगी ना, आपको बहुत सारे हार्ट वाले इमोजी भेजने वाले, दूसरे वाले वैसे वाले भी आने वाले कि देखो ये तो घर को खराब करने वाली बात कर। तो बहुत ही एक हमने बातें की योग आहार के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में, सारी चीज़ें हमने पहले आज इस इंटरव्यू में, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने कुछ करके क्यों नहीं दिखाया, आपने ये नहीं पूछा, आपने वो नहीं पूछा, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पहले आपके आज इस इंटरव्यू में जो भी आपके डाउट्स होते हैं हर चीज़ को लेकर, वो हमने क्लियर किया। अब आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं अपना रिचुअल कम्प्लीट करती हूँ। और आचार्य जी, रिचुअल ये है कि हम जब भी किसी गेस्ट के पास पहली बार जाते हैं, हम उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोबारा आएंगे, क्योंकि वो सवाल छोड़ देते हैं और हम दुविधा में फंस जाते हैं। और देखो, जिज्ञासा ना होती तो पूरी मानवता को गीता ना मिलती, ये तो अर्जुन की जिज्ञासा ही थी ना, जबकि वो उत्तर अर्जुन को ही दिया जा रहा है, लेकिन आज तक हर किसी को उसमें उत्तर मिलता है। तो जिज्ञासा तो आपके दर्शकों से हम कहेंगे ज़रूर करें, ताकि जिज्ञासा होगी तभी उसका समाधान मिलेगा। जो इग्नोरेंट है वो जिज्ञासा भी नहीं करता है, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, वो और जानना चाहेगा। तो वो भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा करते रहें। और जहाँ भी योग, यज्ञ और संस्कृति की बात है, तो हमारी तो जब दीक्षा हुई थी तभी ये प्रॉमिस किया गया था कि उसके लिए कभी भी मनाई नहीं होगी। तो जब आप चाहेंगे तब तो सवाल लिख दीजिए बस आपको, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसा टॉपिक है और हर किसी की लाइफ में जो है प्रॉब्लम है, तो जिस तरीके के भी, जैसे योग के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में, जो हमसे मिस हो गया, क्योंकि हम अब पूरे दिन तो बात नहीं कर सकते, इनके पास भी काम है, तो आप अपने सवाल लिख दीजिए, अगले इंटरव्यू में हम ज़रूर आपके उस सवाल को शामिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब भी ऐसी बातें होती है ना, तो अभी मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ, अब मैं आज सोच लिया मैंने मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। आप भी अपने प्लान बनाओ और अपने आप को हेल्दी रखो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।